मैंने तो दुनिया देखी है ना, मेरे सामने कितनी महिलाएं कहती हैं कि बच्चे को हम तो पैदा होगा तो फलाना बनाएंगे, ढिकाना बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बन, पैदा होने से पहले ही पूरा डाटा बना लेती हैं गंदा बनाने का। मैं किसी पद गौरव और पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं इस बात के खिलाफ हूँ अगर डॉक्टर बन के, कलेक्टर बन के, मिस्त्री बनकर, इंजीनियर बनकर अगर मानवता को भूल जाए, मानवता से दूर चला जाए, तो ये सारा का सारा बनना कलंक ही मात्र है और ये कुछ काम का नहीं है। क्योंकि जो तुम बने हो ये तो सब यहीं का खेल यहीं रह जाएगा, पर तुम्हारा डाटा जो जाएगा पेन ड्राइव में रख के, वो हिसाब वहाँ चुकाना पड़ेगा, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मानव के चूल्हे में आए हैं तो पहले मनुष्य ही बनना चाहिए, फिर विद्यार्थी बनना चाहिए, फिर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना चाहिए, फिर एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना चाहिए। पर ये सब बनने से पहले क्या बनना चाहिए भाई? मनुष्य अवतार हुआ है तो पहले मनुष्य बनो, मनुष्य पूरे परपक्व मजबूत मनुष्य बन जाए, फिर पोजिशन ले लो, प्रमोशन ले लो, संसार को धारण कर लो। अच्छा बोलो, किसी के हाथ ना हो और वो छतरी कैसे लेगा फिर बताओ? है, तुमने हाथ काट लिए, मनुष्य बन नहीं पाए और पद लेना घूम रहे, पद लेकर घूम रहे, क्या करेंगे ऐसे पद का? चला जाएगा हमसे। अगर हम मनुष्य बन जाते और पद आ जाता तो फिर पद कभी हमसे जाने वाला। गौरवम यथा परुषस्य माधम, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। सब कोई एक बार जो मनुष्य हो जाते हैं वो राम के हो जाते हैं, और जो राम के हो जाते हैं उनको कभी कोई छोटा नहीं कर सकता, उनको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। हम क्या है, ये तुच्छ लोगों के बने रहते हैं। इसका मुंह चाटा, उसका मुंह चाटा, उसके पैर छुए, उसके हाथ जोड़े, इससे नहीं जिंदगी बचेगी, इससे नहीं होगा। राम जी के हाथ पैर जोड़ लो, वो चाहेगा तो सबके वोट दिलवा देगा, और वो नहीं चाहेगा तो पैर छू के, रुपया खा के और शराब पी के भी मिलने वाला नहीं है। शराब पीने के बाद में घर नहीं मिलता तो वोट कैसे मिल जाएगा भैया बबलू भैया? है बोलो ना, आदमी शराब का अद्दा पी ले उसे घर मिलता नहीं, अपना गटर में गिरता फिरता है, तो शराब पी के वोट कैसे मिल जाएगा तुमको? गुरुजी आप तो बिल्कुल सच बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं बात को। राम जी की कृपा से पत्ता हिलता है, बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं है। इसीलिए मुझको और आप सबको चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं उस पर ही हम चलें। मैं भी खोखली बात ना करूं, मैं भी सच्चा करूं, मैं जो कहूं वो मैं पालूं, आप भी पालें। पर मैं तो 99.9% पालता हूं, जो वचन भगवान से भरे हैं मैं तो पालन करता हूं। कुछ कमियां मेरे जीवन में हो सकती हैं, रह जाती हूं, होती हूं, पर मैं तो यही प्रयत्न करता हूं कि एक भी क्षण मैं करवट लेके भी ऐसे सोऊं जैसे राम जी ने आज्ञा की है कि ऐसे सोना चाहिए, तो रात में भी ऐसे ही सो, पूरे बिस्तर को खराब ना करूं सोते सोते। है बिस्तर सोके उठे तो वैसा दिखे जैसे सोने से पहले था। सोने से पहले बिस्तर जैसा होता है, सोने के जगने के बाद भी वैसा दिखे ऐसे सो। है चादर बिस्तर पर रहती है रात को सोने से पहले, और सुबह उठो तो चादर सुसरी सबरी घोपड़ी के नीचे जमा हो जाती है, पैरन के नीचे गुदड़ी गुदड़ी दिखे। मैंने कहा भाई यहाँ पे कौन सोया, ये सोए के खोए के रोए रात भर क्या हुआ है, समझे नहीं, पता ही नहीं माने। अच्छा ये भी नहीं है कि दो लोग सो रहे, अकेला ही सोया रात भर, पर कई लोग इतने सोते गंदी तरीके से कि ऐसी की तैसी करके रख देते बिस्तर की, बताओ। है भोजन की थाली हो, बिस्तर हो, ये सब भगवान के वरदान है। सबसे ज्यादा सुख मिलता है बिस्तर पे, सबसे ज्यादा बिस्तर पे सुख होता है। आदमी दुनिया में कहीं से थक जाए तो कहां पे गिरता है जाके, बीमार हो जाए तो कहां गिरता है, बस समझ लो महाराज। सारी दुनिया में कहीं भी आराम न मिले तो बिस्तर पे मिलता है, तो हमें बिस्तर की कितनी कीमत करनी चाहिए, उसका कितना सम्मान करना
चाहिए, पर बिस्तर का कोई सम्मान ही नहीं है। अरे पतंजलि ऋषि लिखते हैं, अथ योग शासनम, अथ योगा अनुशासनम, अथ योगा अनुशासनम, जिसने आसन पर अनुशासन कर लिया वो आदमी योगी बन जाता है, और जिसके आसन पर अनुशासन नहीं है वो हमेशा रोगी ही बना रहता है। मैं आपको रोगी नहीं देखना चाहता, योगी। योगी का मतलब केवल भगवत प्राप्ति नहीं है, योग का मतलब है धन प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, पद प्राप्ति, यह शरीर प्राप्ति, बुद्धि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, तप प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति, ये सब योग में आते हैं। जो कुछ भी हमें मिलता है वो योग कहलाता है, योग होना चाहिए। तो पतंजलि ऋषि के पहले शास्त्र का पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासनम। पतंजलि कहते हैं योग क्या है, तो पतंजलि लिख देते हैं योग माने अनुशासन करना, और जब अनुशासन खत्म हो जाए तो फिर राम नाम की माला फेर फेर के मर जाओ, फिर शासन होने वाला नहीं है। अनुशासन योग, योग अनुशासनम, अथ अनुशासन योग। देखो कितनी सरल व्याख्या कर दी मैंने योग की, मुक्ति की, भक्ति की। संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए योग जरूरी है, है? अच्छा बोलो, दो दो मित्र मिलते हैं उसको योग कहते हैं, पति पत्नी मिलते हैं योग कहते हैं, बच्चे माँ मिलते हैं योग कहते हैं, विद्यार्थी किताब मिलता है योग कहते हैं, ये योग हो गया। किसी चीज के जोड़ को योग कहते हैं, किसी चीज के संयोग को योग कहते हैं। तो भक्ति का योग हो, ज्ञान का योग हो, वैराग्य का योग हो, दान का योग हो, धन का योग हो, सेवा का योग हो, ये तो योग से ही तो मिलता है। अरे हमारे योग कहाँ जो मिले, मिल जा गया है। सत्संग का योग जुड़ा, योग मिल गया। सत्संग का योग आया तो कथा सुनने को मिल रही है, योग नहीं होता तो कथा सुनने को नहीं मिलती, कथा करने को नहीं मिलती, योग से ही सब मिलता।